नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। जैन धर्म में दो प्रकार की सतियां हुई है। प्रथम स्थान पर वे है जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, और दूसरे स्थान पर वे है जो विपत्ति और मृत्यु भय के क्षणों में भी एक पतिव्रत से चलायमान नहीं हुई। इस अवर्षण पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकरों के शासन में सील, सदाचार, त्याग, वैराग, धैर्य व सौंदर्य की स्वामिनी 16 महाविभूतियाँ हुई, जो इतिहास का गौरवशाली अमिट शिलालेख बन गई। अब प्रश्न यह है कि सतिया 16 ही क्यों? आज तक हजारों सतिया हो चुकी है, परंतु जिनका पुण्योदय प्रबल था अथवा जिनका चरित्र अधिकतम प्रेरणास्पद लगा, वे 16 सतिया विशेषतः जनप्रिय जग प्रसिद्ध हो गए। इन 16 सतियों में से ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला आदि जैन समाज में ही मान्य है, तो दमयंती, कौशल्या, सीता, कुंती, द्रौपदी आदि को जैनेतर समाज में भी श्रद्धास्पद स्थान प्राप्त है। कुछ बाल ब्रह्मचारिणी है तो कुछ गृहस्थ हुई एक पतिव्रता है। सुभद्रा, सीता, द्रौपदी, शिवा आदि के जीवन में शील परीक्षा के कठिन क्षण भी उपस्थित हुए, तो कुछ का जीवन सामान्य है। कुछ स्वर्गगामिनी हुई तो कुछ मोक्ष पधारी। इनमें से अधिकांश पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी परस्पर जुड़ी हुई है। ब्राह्मी सुंदरी और प्रभावती पद्मावती ये सगी बहनें थी, तो मृगावती और चंदनबाला में मौसी भांजी का रिश्ता था। इससे भी अधिक कौशल्या सीता एवं कुंती द्रौपदी में सास बहू का संबंध था। जैन धर्म में अनेकों ऐसी नारियों का उल्लेख है जिन्होंने अपने शील एवं धर्म के बल पर अनेकों दुष्टों को पराजित कर दिया और धर्म की स्थापना की। ऐसी धर्मनिष्ठ 16 महासतियों का उल्लेख जैन धर्म में किया गया है। पहली सती ब्राह्मी 3,00,000 साध्वियों का नेतृत्व करने वाली इस अवर्षपीणी काल की प्रथम साध्वी जी ब्राह्मी आदि 18 लिपि सीखने वाली सुनंदा एवं ऋषभदेव की पुत्री थी। केवलीय और मोक्ष प्राप्त किया था। दूसरी सती सुंदरी 60,000 वर्ष तक अयम्बिल का उग्र तप करने वाली सुमंगला एवं ऋषभदेव की पुत्री थी। बहन ब्राह्मी के साथ भाई बाहुबली जी को अभिमान रूपी हाथी पर से उतारा था। तीसरी सती चंदनबाला प्रभु महावीर की 36,000 साध्वियों में प्रथम स्थान को अलंकृत करने वाली साध्वी जी है। कर्म सत्ता से दुखों की वर्षा से बाहर आकर चंदन की तरह सुवास बढ़ाई। चौथी सती राजीमती तोरण से रथ वापस लेके जाने वाले नेम कुमार का पथ अनुसरण कर संयम ग्रहण किया, केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। पांचवी सती द्रौपदी पूर्व जन्म की गलती से 5 पुरुष की पत्नी बनी। अंधे के पुत्र अंधे उपहास में बोले शब्द से महाभारत का सर्जन हुआ। शील संपन्नता के कारण चीरहरण के समय लाज बचाई। छठी सती कौशल्या राम का वनवास गमन की बात सुनकर भी कैकेयी के प्रति दुर्भावना नहीं लाई, अपने कर्मों को दोष दिया, राम को सद्भावना रखने की प्रेरणा दी। सातवीं सती मृगावती महाराजा चेतक की पुत्री राजा सतानिक की रानी की नम्रता अनुपम थी। वीर की देशना सुनकर विलंब आने पर चंदनबाला का ठपका सुनकर पश्चाताप करते हुए केवल ज्ञान पाया, गुरु को भी केवल ज्ञान की भेंट दी। आठवीं सती सुलसा अनागत 24 में 15वें तीर्थंकर निर्मम के नाम से बनने वाली महासती। नौवीं सती सीता जनक राजा की सिलवती पुत्री राम जी के साथ वनवास स्वीकार किया, रावण के सानिध्य में भी सिल की रक्षा की। दसवीं सती सुभद्रा बौद्ध परिवार में शादी होने पर भी जैनत्व के संस्कार बनाए रखे, सासू द्वारा लगे कलंक को शासन देवी ने मुक्त किया। ग्यारहवीं सती शिवा चेतक राजा की पुत्री चंड प्रद्योत राजा की पत्नी लावण्य से मोहित मंत्री की अनुचित प्रार्थना ठुकराई, नगर में फैला अग्नि का उपद्रव आप द्वारा जल छिड़कने से शांत हुआ। बारहवीं सती कुंती विपत्ति के समय पुत्रों का साथ दिया, पुत्रों और पुत्रवधु के साथ संयम ग्रहण कर सिद्धांचल पर मोक्ष पाया। तेरहवीं सती सिलवती 4 मंत्रियों द्वारा अनुचित मांगने को चतुराई से अपने सिल की रक्षा की, वासना के भूखों को सबक भी सिखाया। चौदहवीं सती दमयंती राजा नल द्वारा सब जुए में हारने के बाद उनके साथ वन में गए, वहां पति ने अकेला छोड़ा तो भी 12 वर्ष तक धर्म का विस्मरण किया।
पंद्रहवीं सती पुष्प चूला। जो सगे भाई से कर्मवश अनिच्छनीय संबंध बंधे, पुण्योदय से अनिका पुत्र आचार्य की वाणी से वैराग्य हुआ, वृद्ध आचार्य की सेवा कर केवल ज्ञान पाया। सोलहवीं सती प्रभावती। चेतक राजा की पुत्री एवं उदयन राजा की रानी दीक्षा ली, छह मास दीक्षा पालन कर स्वर्ग सिधाई, राजा को प्रतिबोध किया, धर्म में जोड़ा। ये सब सतिया ने अपने संस्कार की सुवास से संपूर्ण धर्म संघ को महकाया।